हाय फ्रेंड्स, वैसे तो आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाती हैं जो दावा करते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके अर्निंग कर सकते हो, लेकिन प्ले स्टोर पर अवेलेबल एप्लीकेशन में से कुछ ही एप्लीकेशन रियल होती हैं जिनमें आप मिनिमम ट्रेड करके अर्निंग कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशन वहाँ पर आपको फेक भी मिलती हैं जो आपको पेमेंट नहीं देती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल रियल एप्लीकेशन रूबिक ट्रेड एप्लीकेशन का यहाँ पर रिव्यू करेंगे, कैसे इसमें आपको अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट कैसे करना है, और जब आप इसमें डिपॉजिट करके पैसे अर्न कर लेते हो तो वो पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉल करना है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। रूबिक ट्रेड एप्लीकेशन बहुत ही रियल एप्लीकेशन है और इसका इंटरफेस इतना सिंपल है कि इसमें आप आसानी से अर्न भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक पेज ओपन होता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का डेमो अकाउंट मिलता है जिससे आप इसमें ट्रेड करना सीख सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल जितनी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है सब में मिलता है, तो यहाँ पर वो भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों, इसमें अगर आपको रियल ट्रेडिंग करनी है, पैसा अर्न करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सिंपली आपको यहाँ पर देखिए रियल अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी gmail ID डालनी है, जिस gmail ID से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं वो अकाउंट यहाँ पर अपनी gmail ID से बना लेना है। दोस्तों, gmail ID डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है और आपको ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब आपका रियल अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। अब जानते हैं इसमें आपको डिपॉजिट कैसे करना है। डिपॉजिट के लिए यहाँ पर आपको डिपॉजिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसमें मिनिमम 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हैं, वो आप UPI, फ़ोनपे, पेटीएम से भी कर सकते हैं। तो आप 100 रुपीज़ यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप 100 रुपीज़ सेलेक्ट करते हैं, आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम डिपॉजिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो पेमेंट प्रोसेस है, आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, वो पेज ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पे फ़ोनपे UPI मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे पे नाउ पे क्लिक करते हैं, आपके बैंक अकाउंट शो हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों फ़ोनपे सिक्योर होता है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स नहीं दिखाई देंगी। अब यहाँ पर मैंने रूबिक ट्रेड एप्लीकेशन में 100 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको इससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे, और कैसे इसमें आपको विड्रॉल लेना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेटिंग फॉर ऑर्डर स्टेटस, यानी कि 1 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में आपके पैसे हैं वो ऐड कर दिए गए, तो आपको वेट करना है। तो देखिए, हमारे अकाउंट में जो हमने 100 रुपीज़ यहाँ पर डिपॉजिट किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, और अब अगर आप और यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहें तो आप आसानी से इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इसमें डिपॉजिट मेथड मिलता है और उसी तरीके से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। विड्रॉल करने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसमें आपको विड्रॉल लेना है और इंस्टेंट 1 मिनट में आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करने के लिए यहाँ पर देखिए, आपको आप जितना भी पैसा ट्रेड करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर 30 रुपीज़ का इन्वेस्ट करता हूँ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको मिनिमम रहने देता हूँ। और अगला फीचर है बाय इन 1 क्लिक, यानी कि 1 क्लिक में आपकी ट्रेड लग जाए। ये फीचर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ मिलेगा, लेकिन इसे आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी ट्रेड लग जाती है। अब मुझे लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा, और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा तो मैं जो ट्रेड है वो डाउन साइड होगा। यानी कि आपको इसमें प्रिडिक्शन करना है कि मार्केट का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पर अप साइड यहाँ पर एक कॉल लेता हूँ 20 रुपये की, और यहाँ पर कंप्लीट नाउ कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पर हमें पहले जो अपने मोबाइल नंबर से इसकी KYC है वो कम्प्लीट करवानी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको आपके जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करने हैं। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको आपका जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, तो आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आधार नंबर डालने हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपको कंप्लीट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपकी KYC कम्प्लीट हो चुकी है, तो अब आप यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपसाइड एक कॉल लेता हूँ, और जैसे मैंने कॉल ली, मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। तो अगर ये ट्रेड मैं लॉस करता हूँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो मेरी 40 रुपये की होगी। इससे क्या होगा कि मैंने जो ट्रेड लॉस की है, अगर मैं सेकंड ट्रेड अर्न कर लेता हूँ तो मैं वो ट्रेड विन कर लूँगा। यानी कि पहले ट्रेड का लॉस निकल जाएगा और सेकेंड ट्रेड में मैं विन कर लूँगा।
तो आप जब भी ट्रेड करें तो आपको क्या करना है कि आपकी जो ट्रेड का अमाउंट है वो आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अगर आप लॉस करते हैं तो आपकी जो ट्रेड है वो 20 रुपये से 40 कर दीजिए और 40 से आपको कर देनी है 80 रुपये। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके अकाउंट में मिनिमम आप 1000 रुपये ज़रूर से डिपॉजिट करें, जिससे क्या होगा कि आप पहली ट्रेड लॉस करते हैं तो 20 रुपये लगेंगे, दूसरी ट्रेड लॉस करते हैं तो 40 और तीसरी ट्रेड करते हैं तो 80 रुपये, और उसके बाद अगर आप फिर भी लॉस करते हैं तो आप 160 या 200 रुपये की ट्रेड लेते हैं, तो आप 4 से 5 ट्रेड में से कोई एक ट्रेड विन कर जाएंगे। ये ट्रेड मैं लॉस कर गया हूँ, वापसी में 40 रुपये की जैसे मैंने बताया था वो ट्रेड लेता हूँ। अगर मैं ये ट्रेड हार जाता हूँ तो दोस्तों जो मेरी अगली ट्रेड होगी वो 80 रुपये की होगी, लेकिन क्योंकि मैंने अभी इसमें 100 रुपीज़ ही डिपॉजिट किए हैं तो उसके लिए मुझे दोबारा से डिपॉजिट करना होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो जो मिनिमम अमाउंट है आपका वो आप 1000 रुपये के आसपास रखें। अब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। अगर मैं ये लॉस करता हूँ तो दोस्तों मुझे दोबारा से इसमें डिपॉजिट करना होगा और उसके बाद मैं ट्रेड ले पाऊँगा। अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ 40 रुपये हैं। तो दोस्तों मैंने जो सेकंड ट्रेड थी वो लॉस कर दी है, लेकिन मैंने जो मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था कि 100 रुपीज़ ही डिपॉजिट किए थे तो मेरे पास में आगे डिपॉजिट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने ये ट्रेड सिर्फ 40 रुपये की ही और ली है। इतना ही मेरे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस था। अब देखते हैं कि मैं ये ट्रेड विन करता हूँ या फिर से लॉस कर जाता हूँ। अगर लॉस कर जाऊँगा तो मुझे पूरा अमाउंट दोबारा से इसमें डिपॉजिट करना होगा, और यहाँ पर लगभग मैं ये ट्रेड भी लॉस कर चुका हूँ, तो मुझे इसमें क्या होगा कि अगले टाइम में इसमें ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करके ट्रेड करूँगा तो मैं 100% इसमें विन कर पाऊँगा। अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो अगर मुझे ये विन करना होगा तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इसमें आप देख रहे हैं कि 10 से 20 सेकेंड बाकी हैं। और वेट करते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ आया लेकिन वापस से नीचे चला गया, तो यहाँ पर लगभग हम लॉस कर चुके हैं, और ये वापस से ऊपर की तरफ आया है और ये ट्रेड हमने विन कर लिया, यानी कि मेरे अकाउंट में यहाँ पर देखिए 70 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ लगाए थे, फिर भी मैं यहाँ पर 30 रुपये माइनस में हूँ। 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लॉस किए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मेरा अमाउंट ज़्यादा होता तो ट्रेड होती वो मेरी 100 रुपीज़ की होती, और अगर 100 रुपीज़ की ट्रेड होती तो दोस्तों मैं यहाँ पर आराम से विन कर पाता। तो कुछ इस तरीके से अगर आप भी ट्रेड करते हैं तो आप इसमें आराम से पैसे अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको डिपॉजिट तो किया है, आपको विड्रॉल कैसे करना है, यहाँ पर आपको मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पर विड्रॉ फंड पे आना है, तो यहाँ पर आपको आपका जो पैन नंबर है वो डालना है। जैसे आप अपना पैन नंबर डाल देते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ से बनकर तैयार हो जाएगा और आप यहाँ से अपना विड्रॉल ले सकते हैं। अब वापस से हम बैंक जाते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही ईजी तरीके से आप अपनी पैन KYC करवा के यहाँ से इसमें विड्रॉल ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है। और यहाँ पर अब जैसे कि मुझे लगता है कि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर 20 रुपये की ट्रेड ले लेता हूँ। अगर मैं ये लॉस करता हूँ तो जो अगली ट्रेड होगी वो 40 रुपये या 50 रुपये की ट्रेड में यहाँ से लूँगा, या तो मेरा अकाउंट बिल्कुल से नील यानी कि खाली हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर कुछ पैसे यहाँ पर अर्न कर लूँगा। तो वेट करता हूँ, वेट करने के बाद देखते हैं कि ये जो ट्रेड है वो मैं विन करता हूँ या लॉस करता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप सिर्फ एक बार अकाउंट बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। तो जो सेकंड ट्रेड थी वो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके से आप देखिए मार्केट लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है। हो सकता है मैं ये ट्रेड विन करूँ या फिर यहाँ से ये चेंज हो जाए और ऊपर की तरफ जाने लगे, लेकिन हमें वेट करना है। और ये देखिए मार्केट काफ़ी ऊपर गया, उसके बाद नीचे भी आया और बहुत कम समय बचा। अगर ये मार्केट ऊपर स्टेबल रहता तो मैं यहाँ पे विन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड जो सेकंड ट्रेड थी वो विन कर ली है, 15 रुपये मेरे अकाउंट में ऐड कर दिए गए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं 85 अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे अगर मैं इसमें विड्रॉल करता हूँ, लेकिन इसमें आप मिनिमम 300 रुपीज़ का विड्रॉल ले सकते हैं। अगर मुझे विड्रॉल लेना होगा तो उसमें मुझे कुछ और पैसे ऐड करने होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप भी चाहें तो रूबिक ट्रेड एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करके पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।